हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एबी क्लासेस। हम लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स का पहला एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5.1, जो कि आपके आपके चैनल द एबी क्लासेस पे है, क्लास 6 का। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप जितने लोग भी देख रहे हो, प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है, बिना किसी हेजिटेशन के। और आपको इसके पहले सारे वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की वीडियो, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग द लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। मेयर एक मेयर नाम के साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन का कुछ तरीका बताया कि हम लोग कैसे किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उनके में कुछ डिसएडवांटेज आने लगे, उनके जब वो मेथड बताए थे, जिस मेथड से, उस मेथड में कुछ कमियां आने लगी, कमियां मिली, तो उसी को हमको यहाँ बताना है। आप लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़िएगा, उसमें आपको ये कमी मिलेगा, तभी मैं कुछ बताता हूँ आपको इसका सही आंसर क्या लिखेंगे हम लोग। बाय मेयर ऑब्जर्वेशन वी कांट कंपेयर We can't compare the line segment, with slight difference, अगर उसमें कुछ छोटी मोटी डिफरेंस के अंतर होगा तो वो हम लोग नहीं पहचान पाते हैं। लाइट डिफरेंस, ठीक है, वी कांट से विच लाइन सेगमेंट इज ऑफ ग्रेटर लेंथ, वी कांट से विच लाइन सेगमेंट इज ऑफ ग्रेटर लेंथ, लाइन सेगमेंट विच इज ग्रेटर लेंथ, हेंस द चांस ऑफ एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर व्यू आर मोर। और इसमें क्या होता है, हेंस द चांस ऑफ इम्प्रॉपर व्यू, अगर हम लोग किसी दूसरे डायरेक्शन में देखते हैं तो इसमें एरर होने के बहुत चांसेस आपको इम्प्रॉपर वे इम्प्रॉपर व्यूइंग आर मोर, अगर हम लोग उसको किसी और डायरेक्शन में देखते हैं तो उसके गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाई इट इज बेटर टू यूज डिवाइडर देन अ रूलर। हम लोग रूलर का यूज डिवाइडर से ज्यादा क्यों करते हैं व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को मेजर करने के लिए। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी सेम प्रोसेस है, व्हाइल यूजिंग अ रूलर, व्हाइल यूजिंग अ रूलर चांसेस ऑफ एरर occur due to thickness of ruler and
थिकनेस रूलर एंड एंगुलर व्यूइंग. हेंस यूजिंग डिवाइडर एक्यूरेट मेजरमेंट इज पॉसिबल. ठीक है, अगर हम लोग डिवाइडर्स करते हैं तो उसमें एक्यूरेट डिस्टेंस आता है, अगर हम लोग स्केल से खींचते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें थिकनेस के कारण कुछ एरर आने के चांसेस रहते हैं. ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा है, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी. हमको ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है. टेक पॉइंट सी लाइंग ऑन बिटवीन ए एंड बी, जो कि उसमें एक पॉइंट होगा सी जो ए और बी पे होगा. मेजरिंग द लेंथ ए बी एंड बी सी एंड ए सी. इज ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी. तो हमको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है. पहला काम तो एक लाइन ड्रॉ करना है, ए बी लाइन सेगमेंट है ए बी, इसके बीच में कोई पॉइंट सी है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट होते हैं वो मैं आपका लिख दे रहा हूँ. सिंस गिवेन द पॉइंट सी लाई इन बिटवीन ए एंड बी, हेंस ऑल पॉइंट लाइंग ऑन द सेम लाइन सेगमेंट सेम लाइन सेगमेंट ए बी. Therefore, for every situation in which point C is lying between A and B, we may say that. ठीक है, ऐसा आपको स्टेटमेंट लिख देना है. और फिर ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, एक काम ये कर सकते हैं. दूसरा, यहाँ पे आप स्केल से यहाँ तक का लेंथ नाप लेना. सपोज दैट ये लेंथ 5 सेंटीमीटर का आता है, ए से सी नाप लेना वो 3 सेंटीमीटर का आएगा, सी से भी 2 सेंटीमीटर का आएगा. तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं ये चीज पॉसिबल है. ठीक है, ये चीज पॉसिबल है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑन लाइन सच दैट ए बी ए सी. यहाँ पर पहले हमको ए सी एक लाइन खींचना है. ठीक है, पहले एक लाइन खींचते हैं ए सी जो 8 सेंटीमीटर का है. वहां से ए बी खींचना है 5 सेंटीमीटर और बी सी जो होगा हमारा 3 सेंटीमीटर का होगा. ठीक है, तो विच वन इज लाई बिटवीन देम द अदर टू. कौन सा लाइन है, कौन सा पॉइंट है जो बाकी दोनों के बीच में लाई करता है. तो इससे हम लोग कह सकते हैं क्लियरली ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी. तो पॉइंट बी लाइज बिटवीन ए एंड सी. पॉइंट बी जो है ए और सी के बीच में लाई करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यहाँ पे है वेरीफाई करना है. एक फिगर आपको दिख रहा है, आपके बुक में भी मिल जाएगा ये फिगर. अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो आपके बुक में ये फिगर मिल जाएगा. ठीक है, यहाँ पे ए से जी का है, उसको डिवाइड किया गया है. वेदर डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए जी, हमसे पूछ रहा है क्या डी मिड पॉइंट है.
हमको हमसे हमको पहले क्या करना होगा, ए से डी तक का देखना होगा। ए से डी कितना यूनिट का है, तो ए से डी अगर हम लोग देखें तो 1, 2, 3, और डी से जी देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ए से डी कितना है, 3 यूनिट, कितना है 3 यूनिट। और सी से डी से जी देखते हैं 1, 2, 3, ठीक, तो डी जी भी क्या है 3 यूनिट का है। तो हम लोग ये बात कह सकते हैं क्या कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ, 5 का आंसर है डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए जी, ए जी का मिड पॉइंट है। 6 में आते हैं, 6 में क्या कह रहा है, 6 में कह रहा है इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, अगर बी ए सी का मिड पॉइंट है, मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, बी जो है ए सी का मिड पॉइंट है, एंड सी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, सी जो है बी डी का मिड पॉइंट है, वेयर ए बी सी डी लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, से दैट ए बी इक्वल टू सी डी, क्या हम लोग कह सकते हैं ए बी इक्वल टू सी डी होगा। अच्छा, बी मिड पॉइंट है, बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी ए सी, तो हम लोग कह सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी, क्या कह सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी, इक्वेशन 1। फिर आगे बोलते हैं, कह रहा था कि सी भी मिड पॉइंट है, सी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, इससे हम लोग क्या कह सकते हैं बी सी इक्वल टू सी डी, इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, फ्रॉम 1 और 2, 1 और 2 से हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाली बी सी जो दिख रही है और ये दोनों बी सी जो दिख रही है, दोनों सेम सेम है, अगर ये सेम है तो ये ए बी इस सी डी के इक्वल होगा, ये ए डी जो होगा किसके इक्वल होगा, सी डी के इक्वल होगा, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, यही तो पूछ रहा था यहाँ पे, इसके यहाँ आंसर क्या लिख देंगे, यस, ऐसा प्रूफ करके दिखा देंगे और आंसर क्या लिख देंगे, यस लिख देंगे। फिर 7 में है, ड्रॉ अ 5 ट्रायंगल, हमको 5 ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं और मेजर देयर थिकनेस, उसके थिकनेस को मेजर करना है, और चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, और हमको मेजर करके बताने हैं कि इसके जो लेंथ होंगे वो लेस देन होंगे, ठीक। तो इसके लिए मैं ये ऊपर वाले पोर्शन में बना देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 7, ठीक है, तो हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं, मैं यहाँ से ट्रायंगल देख रहा है, मैं ये ट्रायंगल यहाँ से यूज कर लेता हूँ, ठीक है, ये ट्रायंगल मैंने यूज किया, ये वाली साइड जो है ये 2.5 है, ये वाली साइड है 5.2 है, और ये वाली साइड है 4.8 है, नाम भी दे देता हूं ए बी एंड सी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ए बी प्लस बी सी जो कि होगा 2.5 प्लस 4.8, इसको सम करेंगे तो 7.3 आएगा, और 7.3 जो होगा ग्रेटर देन होगा 5.2, इससे क्या होगा ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन हो जाएगा ए सी के। इसी तरीके का हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल हमने लिया, इसमें भी कुछ ऐसा ले लेते हैं, एक साइड लेते हैं 2, ये 3.5 और ये 2.5, इसमें भी इसका नाम लेते अलग नाम कर देते हैं इसका, पी क्यू आर, पी क्यू एंड आर, तो यहाँ पे हम लोग फिर करते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर क्या आएगा, 2 प्लस 2.5 यानी 4.5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4.5 आएगा, और जो 4.5 होगा ग्रेटर देन होगा 3.5 से, तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर ग्रेटर देन पी आर,
एक और मैं ट्रायंगल ले रहा हूं और बाकी दो ट्रायंगल आपके ऊपर है। ये आपका होमवर्क में मैं डाल देता हूं कि आप लोग इसको दो ट्रायंगल आप लोग बनाओगे एक्स वाई जेड, ठीक है, और बना के आप मेरे को व्हाट्सएप करोगे। 6.8 व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, 3.5, ठीक है। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्स वाई कितना है 3 है, वाई जेड कितना है 5 है, 5 3 8, 8 इज ग्रेटर देन 6.8, मतलब एक्स वाई प्लस वाई जेड इज ग्रेटर देन एक्स जेड, ठीक है। तो इस ये जो तीनों स्टेटमेंट आपको मिले तो इससे आप लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर लास्ट का लाइन में लिख दे रहा, अब दो को दो और बनाने हैं आप लोग को। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल, एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल, एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, जो दिक्कत हो आप हमको व्हाट्सएप बता सकते हैं। आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू एवरीवन।